जय भगवान। जय भगवान। प्रार्थना शुरू करेंगे। प्रभु त्यागी भोगवि परधन कृष्ण राखन परोपकार ते पुण्य पर पीड़ा ते पाप जे गोताने प्रतिकूल ते अन्याने नव आचरो परिनो हरि क्षेम रक्षक हे अभरो जायन ये हरि कर से ते मम चितनो ते निश्चय बदलाय नहीं संगे हरि चरणमा रहिए तमे समे संगे हरि स्मरणमा संगे पराक्रमो गण हरिये ते संगो न कदापि आपणो जस्वी प्राणमा नथाजो तदाशीषण न कदापि अजो भिन्ना विद्वे मन आपणो ॐ सना भवतु नौनतु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीसमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ सर्वदा शान्तिः सर्वथा शान्तिः सर्वत्र शान्तिः तवनु सदा कल्याणोजो तवनु सदा मंगलोजो तवनु आरोग्य सदा सारोजो। जय भगवान। जय भगवान। शुरुआत में हमारे परम आदरणीय ब्रह्मलीन गुरुजी स्वर्गीय शिवन भाई दवे संप्रत गुरुजी स्वर्गस्थ बिपिन भाई शाह और हमारी वर्तमान गुरुजी श्रीमती माधुबेन मेहता का स्मरण करके उनको वंदन करके हम हमारे पाठ्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं जितने भी लोग आए करीब 750-800 तक के उन सबका मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। भारत विकास परिषद की ओर से, जय भगवान की ओर से, मेरी ओर से और हमारे सारे जो कार्यकर हैं उन सबकी ओर से मैं आपको स्वागत करते हुए अभिवादन करता हूँ। गुप्ता जी ने अच्छी चीज बताई परोपकार के बारे में, उसी के बारे में आज मुझे बोलना है। अपना सेकंड संध्या दूसरा श्लोक का परोपकार से पुण्य पर पीड़ा से पाप से पोता ने प्रतिकूल से अन्य ने नव आचर। ये श्लोक की रचना कब हुई वो मैं आपको बताना चाहूंगा। भारत में रहने वाले सब लोगों ने और कुछ विदेश वाले लोगों ने भी महाभारत सीरियल देखी होगी
जो आज से 30 साल पहले आई थी और अभी भी रिविजन रिपीट हो रहे हैं, उसके जो रचयिता थे, उसको बनाने वाले वो थे व्यास मुनि, वेद व्यास जी। उन्होंने पूरा महाभारत रचा था, सिर्फ महाभारत नहीं 18 पुराण और कई ग्रंथ उन्होंने लिखे। वैसे ज्ञानी ऋषि के पास उस समय के महाभारत काल के कुछ ज्ञानी ऋषि गए और उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की, विनती कि पुण्य और पाप के विषय में बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं, बहुत सी परिभाषाएं हुई है, मगर हम चाहते हैं कि आप इसकी परिभाषा एक वाक्य में करें। आप कर सकते हैं? उसके जवाब में व्यास जी ने एक संस्कृत श्लोक बोला था, इसका एक गुजराती अनुवाद है, उसको मैं हिंदी में करके आपको समझा। बहुत इजी आसान है। परोपकारते पुण्य, अभी हमारे गुप्ता साहब ने बताया कि परोपकार मीन दूसरे का भला करना, कल्याण करना, अच्छा करना, वो सबसे बड़ा पुण्य है। और उसके विपरीत जरूरत नहीं थी, फिर उन्होंने कहा कि परप पीड़ाते पाप से, दूसरों को दुख देना, कष्ट देना, उससे अधिक कोई पाप नहीं है। और दूसरे सेंटेंस में क्या कहा है, पोता ने प्रतिकूलते, प्रतिकूल मीन जो हमें पसंद ना हो, जो हमें अनुकूल ना हो, वैसा व्यवहार हम दूसरों से न करें। उसको अगर पॉजिटिव में कहना हो तो जो व्यवहार हमें अच्छा लगता हो वैसा व्यवहार हम दूसरों से करें। कोई हमें सम्मान से बुलाए, प्यार से बुलाए, आदर से बुलाए, हमको पसंद आता है, हम भी दूसरों के साथ ऐसा पेश आए। और बाद में क्या कहा है, पर पीड़ाते पाप से पोता ने प्रतिकूलते अन्य ने नवाज। जो हमें पसंद नहीं है उसका वाणी, उस ऐसी वाणी, ऐसा क्या करेंगे व्यवहार हम दूसरों से न करें, हमें जो पसंद है वही करें। ये आज की प्रार्थना का थोड़ा सा संदेश है। जैसे मैंने कल बताया कि हम एक परिवार की भावना से बैठते हैं, और बिल्कुल आपसे फिर से मैं निवेदन करता हूँ कि ये एक्टिविटी हम सीख पाएंगे कि नहीं, इस प्रकार का क्षोभ हो, भय हो, निकाल दीजिए। आपको सिर्फ बैठना है, और भी कैसे, तन मन से, शरीर से तो बैठते ही, मन से भी साथ में रहिए। तो जितनी हो सके उतनी सरल भाषा में इसको समझाने की कोशिश मैं अवश्य करूंगा। तो आज हमारा जो परिवार है, परिवार के 2 मेंबर्स की आज वर्षगांठ, जन्मतिथि या हैप्पी बर्थडे है, उसमें एक है हमारे हरीश, हरीश भाई शाह, आई एम सॉरी, हितेश भाई शाह, हितेश शाह आए हैं वीणा, हितेश शाह, वीणा जी जी सर, चेक कर रही हूं। हां, तो उनको मैं जय भगवान की ओर से, भरत विलास की ओर से, और जो इतने यहाँ पर बैठे हैं उन सबकी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। और दूसरी बहन है रश्मि हरिया, वो दोनों का आज बर्थडे है, उनको मेरी ओर से बहुत हैप्पी बर्थडे। और मैं, हाँ जी, रश्मि जी आई हैं, ठीक है, तो उनको बहुत बहुत मैं अभिवादन करता हूँ और आप सबकी ओर। अभी गुप्ता जी ने बताया कुछ लोग देरी से आते हैं, कृपा करके जल्दी आ जाइए, 8:45 या मैक्सिमम 7:55 तक आप जरूर से लॉगिन करिए, क्योंकि ये जो प्रार्थना है ना वो हमारे पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, इट्स ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर सिलेबस, क्योंकि उसकी जो फिलोसॉफी है वो समझना बहुत आवश्यक। सिर्फ एक ही प्रश्न सीखना है ना, 2 घंटे में पॉइंट बता सकते, इधर इधर उधर जाओ, ये बात नहीं है, उसकी फिलोसॉफी, हमारे गुरु जी की भावना, संस्था की भावना, वो सब समझाने के लिए इतना दिन का प्रश्न। तो कृपा करके तब से मेरा आपसे नम्र अनुरोध है कि 8 के पहले आकर के आप इसमें ज्वाइन हो जाइए, ताकि हम सब मिलकर प्रार्थना करें। आपको प्रार्थना गुजराती में, हिंदी में और इंग्लिश में भी भेजी गई है, तो प्रार्थना जब होती है ना आप देख करके साथ दे सकते हैं। और फिर देखिए, अगर आप साथ देंगे तो आप जहां भी बैठे हैं ना उसका वातावरण बहुत ही शुद्ध होगा, पवित्र होगा, वो आप खुद फील करेंगे। तो इतना प्रार्थना के बारे में बताने के बाद हमारे पाठ्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे। ये पाठ्यक्रम में जो कल हम देख रहे थे, हमने लिखवाए थे 5
विभाग प्रांचा उसके बारे में बात करना है। उसके पहले एक बेंजी का मुझे मैसेज आया, उनका नाम है राधिका पटेल। वो आई है राधिका पटेल, बिना देखो जरा राधिका पटेल। उनका मैसेज था कि बोर्ड व्हाइट बोर्ड पर बराबर दिखता नहीं है, आज सुधारणा की है और अभी थोड़ा और दिखेगा ऐसी कोशिश करेंगे और आपको स्पष्ट दिखा। आइए क्या राधिका पटेल सर, आइए सुन ले और आपकी प्रसन्नता व्यक्त करें। और अभी जब बोर्ड का काम होगा ना उस समय थोड़ा और नजदीक ला करके आपको अच्छी तरह दिखे, क्योंकि पर्पज वही है, अगर आप देख नहीं पाएंगे तो क्या फायदा है, इसलिए कोशिश पूरी करनी। तो अभी जो हम देख रहे थे कल ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस, वो मैंने पांचों का नाम लिखा था, उसपे रिफ्लेक्सोलॉजी यानी के संकेत दाब विज्ञान, उसकी दो उपशाखाएं हैं सब ब्रांचेस, एक है हाथ हथेली की, एक है पैर के तलों की। चल तो हमारा पूरा सिलेबस पूरा पाठ्यक्रम पैर के तलों पर ही आधारित है, मगर जो बहुत आवश्यक है वो चीज हमने दूसरे शाखाओं से भी ली है, तो वो उसके बारे में हम बात करने वाले। जोनोलॉजी के बारे में बात करें तो जोनोलॉजी ऐसा है कि उसमें कल्पना क्या है, जब ध्यान से मेरी ओर देखना, जोनोलॉजी में मानव देह की जो आकृति है उसमें एक मध्य रेखा खींचने आती है, कोई काटना कुटना नहीं है, काल्पनिक, जैसे मैं बैठा हूं यहां से मध्य रेखा में खींचता हूं, देखो तो इससे मेरे बॉडी के दो हिस्से हो गए, दाहिने और बाहिने हिस्से में दोनों में पांच पांच जोन है, वो जोन ऐसे करेंगे तो एक दो तीन चार पांच ऐसा जोन पड़ जाता है, यहां पर भी पांच जोन पड़ जाएंगे, और ये वो लाइन है जो जोन की लाइन है पूरे शरीर में खींची जाती है। पहला जो जोन है समझे, यहां से स्टार्ट हुआ तो ऐसा होते हुए जाएगा अंगूठे में, अंगठा जी, दूसरा जोन जाएगा दूसरी उंगली में इंडेक्स फिंगर, तीसरा जाएगा ये उंगली में बड़ी उंगली में, चौथा जाएगा उसकी बाजू की उंगली में, पांचवा जाएगा छोटी में। इस प्रकार पांचों जोन इस तरफ, पांचों जोन इस तरफ, उसी प्रकार पैर के तलवों में भी, पैर के उंगली में भी, अंगूठे में पहला, फिर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, हर एक उंगली में एक एक जोन आया हुआ है। ये पूरी जोनोलॉजी का आइडिया है। अभी थोड़ा गौर से सुनना कि पांच जोन तो है ही और एक एक उंगली में एक जोन है, वो भी सही बात, मगर जो अंगूठे हैं उसके हाथ के पैर के, वो अंगूठों में पांचों जोन आए हुए, ऑल फिफ्थ जोन, इसमें 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 कुल जोन दस है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे अंगूठे चाहे वो पैर के हो चाहे हाथ के हो, वो हमारे मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो क्या हम रिप्रेजेंट द हेड, अंगूठे हमारे मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो मस्तिष्क की कोई भी शिकायत के लिए हम अंगूठे को दबा करके उसका फायदा उठा सकते हैं। मस्तिष्क की तकलीफ क्या हो सकती है, सबसे ज्यादा हेडेक होती है, फिर पैरालिसिस, पोलियो, कुछ बच्चे स्पेशल होते हैं जिनकी समझ कम होती है, वो सारे रोगों में अगर अंगूठे में ट्रीटमेंट देंगे तो क्या होगा, मस्तिष्क को ट्रीटमेंट मिलेगी और उससे उसमें सुधार होगा। बहुत बढ़िया, अभी हम बहुत गहरे नहीं जाएंगे, केवल बात करेंगे किसकी, हेडेक की। तो हेडेक के लिए अंगूठे में पूरा टटोल कर दबाना है, जहां थोड़ा सा पेन होता है वहां दबाइए और आप देखेंगे आपका हेडेक बिना एस्प्रो बिना एनेस्थीन एक दो अढ़ाई मिनट में गायब हो जाते हैं। ये बहुत अनुभव की बात है, आप उसको करके देखिए, कैसे दबाना कितना दबाना आगे देखेंगे। अभी हमें इतनी क्लू मिल गई कि अंगूठे में दबाने से हमारा हेडेक ठीक हो सकता है बिल्कुल। तो ये जोनोलॉजी इस प्रकार चलती है, पैरों में फैलती है। तीसरा जो लिखा था हमने और आज भी लिखा है मैंने, पूरा जो एक्यूपेशन का विज्ञान है, टेक्निक है, वो चाइना की है, चीन की है, पूरे शियाड़ जो है वो जापान में उसकी स्थापना हुई थी और वहीं से उसका विकास हुआ।
जापान में शिहात्सु का। शिहात्सु का मतलब पहले समझेंगे। शिहात्सु में दो शब्द है, एक है शी और आठ। मैं लिखता हूं यहां पर, अभी दिखा बराबर गुप्ता जी, बराबर दिखता है? करण जी बहुत दिखता है बराबर? दीपक भाई जी सर, बहुत दिखता है ना? क्लियर दिखता है ना? तो अभी ऐसे ही है, शी का मतलब होता है उंगलिया और ATSU 800 का मतलब होता है दबाव। उंगलियों से दिया गया दबाव कहाँ दबाना है? जहां पर पॉइंट हो। वो हमारा विज्ञान नहीं है इसलिए ज्यादा इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, पर बहुत अच्छा पावरफुल विज्ञान है और उसका उसकी जो खोज है वो हुई थी सन 1900 में, इन द ईयर 1900 में खोज हुई थी और वो विचित्र संयोग में हुई थी। थोड़ा वो भी आप सुन लीजिए, आज से 120 साल पहले हमारे जगत का विकास इतना नहीं था, मोटर गाड़ियां भी नहीं थी, होगी तो भी बहुत कम होगी। ऐसे समय में जापान का एक परिवार छोटा था, हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड, उनको कहीं दूर प्रवास में जाना था। तो लोग निकले हैं चलते 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 कोई जंगल के भाग में पहुंच गए जहां पर कोई नहीं है। वहां पर उस महिला को, औरत को कुछ दर्द शुरू हुआ, तो क्या करते हैं, एक पेड़ था उसके नीचे बैठ गई। लड़का बच्चा 7-8 साल का भी बैठ गया और जो हस्बैंड था वो गांव में कहीं आसपास देखने गया कोई दवाई पानी कुछ मिल सकता है। दर्द बढ़ने लगा तो महिला क्या करती है, लेट जाती है बेड के नीचे छाया में। अभी छोटा बच्चा 7-8 साल का बैठा है बाजू में, वो क्या करता है, माँ को दबाता है पैर में, इधर उधर दबाता है। ध्यान से सुनना, उसको कुछ मालूम नहीं है, एकदम निर्दोष बच्चा है 7-8 साल का। मगर माँ ने ऑब्जर्व किया कि पैर के कोई हिस्से में वो दबाता था तो उसका जो दर्द था छाती में पेट में कहीं भी उसमें अच्छा लगता था रात में। तो माँ बोलती थी, बेटा यहाँ दबा यहाँ दबा। इतनी छोटी सी बात में उस बच्चे ने सोच लिया कि पैर में दबाता हूँ मैं जगह, वो जगह और जहां पर दर्द है वो जगह, दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन है, कुछ संबंध है। उस थ्योरी पर वो आगे बढ़ा और उसने शिहात्सु नाम का साइंस की खोज की और जगत को उसकी भेंट दी। शिहात्सु वो खोजने वाले का नाम था मिस्टर नामिकोशी, NAMIKOSHI, और उसने आगे चलकर अनुभव पर से एक पुस्तक किताब लिखी, उसका नाम था द कंप्लीट बुक ऑफ शिहात्सु बाय नामिकोशी, और वो जापान की है। शिहात्सु विज्ञान के लिए वो किताब बहुत ही स्टैंडर्ड मानी जाती है, समझ गए? तो शिहात्सु के बारे में मैंने बताया। अभी आगे का जो है वो है मेरिडियनोलॉजी। मेरिडियनोलॉजी थोड़ी सी कैसी है, थोड़ी सी कठिन है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है इंग्लिश में कहे तो, इसलिए उसको ज्यादा नहीं छेड़ेंगे। मगर शॉर्ट में मैं आपको बताऊं, उसमें हिंदी किया है शक्ति रेखाओं का विज्ञान। हमारे शरीर के अवयवों से और अवयवों की ओर, आइदर फ्रॉम द ऑर्गन और टुवर्ड द ऑर्गन, शक्तियों का प्रवाह हमेशा बहता रहता है और बहना ही चाहिए। तो समझो लीवर किडनी वगैरह के जो ऑर्गन है उसमें से एक शक्ति का प्रवाह बहता है। उस शक्ति के प्रवाह के बहने के मार्ग को इंग्लिश में मेरिडियन कहते हैं, उस पर से मेरिडियनोलॉजी नाम का साइंस बना है। बहुत ही अद्भुत है, कभी समय मिलने पर उसके एक दो उपयोग भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही जरूरी है, पर बाद में, अभी इतना ही समझेंगे तो काफी है। और बाद में जो भाग आता है वो कान का है, ईयर। वो कान भी एक इतने छोटे से कान में शरीर के सारे ऑर्गन्स के पॉइंट आए हुए हैं। उसका आइडिया क्या है, माँ के गर्भ में बच्चे की स्थिति कैसी होती है, ऐसी होती है सर नीचे बॉडी ऊपर, ऐसे ही आकार है। तो यहाँ पर हमारा सिर आएगा और फिर जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो हमारे सारे ऑर्गन, स्टमक, किडनी, यूरेटर सब आते हैं।
तो उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि पूरा डिफरेंट अलग साइंस है, इसलिए खाली आपकी जानकारी के लिए बताया कि कान में भी शरीर के सारे हिस्सों के पॉइंट्स आए हुए हैं। तो ये कान की बात हो गई। अभी ये एक्यूप्रेशर जो विज्ञान है वो हमें केवल विज्ञान नहीं सीखना है, एक्यूप्रेशर नहीं सीखना है, क्योंकि एक्यूप्रेशर का उपयोग हम किस पर करेंगे? ह्यूमन बॉडी आइदर अवर्सेल्स और समबडी एल्स, दूसरे पर करेंगे। तो बॉडी में कितने ऑर्गन है, कहां पर आए हैं, क्या काम करते हैं, वो ठीक से काम न करे तो क्या होगा, वो सारा शरीर शास्त्र भी संक्षेप में और बिल्कुल सरल भाषा में देखते जाएंगे। और जो जो ऑर्गन का वर्णन होगा उसके पॉइंट्स कहाँ पर है वो आपके तलवे में बताया जाएगा। फिर से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपको दीपक भाई ने पहले ही दिन भेज दिया था, प्रार्थना भेज दी थी, संस्था का परिचय भेजा था, साथ में फुटप्रिंट के चार्ट भेजे थे, उसमें लिखा था कि इसकी 3 कॉपी निकालिए और जो ऊपर के पैर का था उसकी 1 कॉपी निकाल कर प्रिंट आउट रेडी रखिए। तो मैं समझता हूँ आपने रखा होगा। तो आज जो मैं आगे चलकर पॉइंट बताऊंगा वो आपके पैर के तलवों में फर्स्ट जो फिगर है उसमें आपको लिखना है। अभी टाइम है मगर आपसे बता ही रखता हूँ कि वो रेडी रखिए। अगर किसके पास रेडी ना हो तो अपने हाथ से पैर का चित्र बना करके उसको बना सकते हैं, क्योंकि ये विज्ञान ऐसा है कि आप साथ साथ में करते जाएंगे ना तो समझ जाएगा। अगर आप डिपेंड रहेंगे एक विधेय को देखेंगे आगे तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए हम 32 पॉइंट टोटल है उसमें से थोड़े थोड़े पॉइंट देखेंगे। आज जो पॉइंट है देखने के वो 7 पॉइंट है, तो 7 पॉइंट के बारे में मैं बताऊंगा और बात करेंगे उसकी। अभी थोड़ा सा पुनरावर्तन है। पुनरावर्तन में सबसे पहला पुनरावर्तन हमारे दीपक भाई सोनी जी कराएंगे। कल जो पॉइंट हुए चेहरे पर के 4 वो आपको बताएंगे हिंदी में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दीपक भाई सोनी जी दीपक भाई सोने जी को बुलाइए। जी सर जी। जय भगवान गुरु जी। हाँ जय भगवान। आवाज आ रही है? आते आवाज आ रही है गुरु जी? हाँ रही, बिल्कुल आ रही। जय भगवान। जय भगवान। मैं सभी पार्टिसिपेंट है हमारे भारत के भिन्न प्रदेशों से और पूरे दुनिया से जुड़े सभी हमारे जो उनको सभी को मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। मुझे पहले 2 बात कहनी है आपको कि कल आपके बहुत से आए थे कि सुझाव आए थे, हम उस सुझाव पे गौर कर रहे हैं, हमने 80-90% सुझाव कर लिए हैं। और जो आज का बहुत लोगों का प्रॉब्लम था कि हमारा नेट बंद हो जाती है बीच में, हम सुन नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए भी हमने बंदोबस्त किया है। आपका जब क्लास पूरा हो जाएगा 2 घंटे के बाद हम पूरा मैं आपको रिवीजन पूरा 2 घंटे के बाद वेट करना। आज का जो गुरुजी पाठ्यक्रम करेंगे उसका हम रिवीजन आपको भेजते रहेंगे और हमारी कोशिश रहेगी आपको हम 100% तक बराबर एक भी सिखा सके, क्योंकि आप भी अभी हमारे परिवार की तरह ही है। जो हमारे 1000 पार्टिसिपेंट्स है हमारे परिवार की तरफ है, हम भी आपको परिवार के भाव से आपको सिखाते रहेंगे। जय भगवान। अभी मैं आपको गुरु जी ने कल जो पॉइंट बताए थे वो बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, 3 पॉइंट, दाढ़ी का पॉइंट, यहाँ दाढ़ी के इधर अंगूठी रख के एक जोर से प्रेशर दीजिए और 1.5 से 2 मिनट तक दबा के रखिए। ये पॉइंट दबाने से आपकी कॉन्स्टिपेशन कब्जियात में आपको राहत मिलती है। किसको बहुत पुरानी होगी उसको 7-8 दिन लगेंगे, 15 दिन लग सकते हैं, जो थोड़े दिन है वो तो इमीडिएट हो सकता है। पॉइंट नंबर 1 कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट प्रेस करिए 1.5 से 2 मिनट तक। दूसरा नंबर गुरुजी ने बताया था पॉइंट, नोज पॉइंट, अंगुली दोनों नासिका बीच में रख के अंगुली को देखिए, मैं क्लोजअप ला रहा हूँ, अपवर्ड प्रेशर, श्वास बढ़ते हुए अपवर्ड प्रेशर पे जर्क से छोड़ दीजिए। ये हमारा वर्टिगो चक्कर, इसको वर्टिगो बग बोलते हैं, सब लोग गोली वर्टिन गोली खाते हैं, तो उससे अच्छा आपको उसका चक्कर की तकलीफ हो आप सुबह को उठते हैं ये पॉइंट ले लीजिए तो पूरा दिन आपको चक्कर आएगा ही नहीं, गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 सेकंड 3-3 बार आपको करना है ये पॉइंट। और यही पॉइंट
एपिलेप्सी होती है, मिर्गी आती है, फिट आती है, पेशेंट सो जाता है, फिर कोई कांधा लाता है, कोई चप्पल सुंघाता है उसको, तो उसको क्या करना है, श्वास के उसको ऐसा अंगुली दबा के रखिए, तो उसका जो ड्यूरेशन है वो बड़ा ड्यूरेशन उसका 1.5-2 मिनट में उसको होश आ जाएगा पेशेंट को, ये अपर प्रेशर दबा के रखिए। पॉइंट नंबर 3, हिचकी आती है तो क्या करना है, हमारे अंगुली में अंगुलियां दोनों कान में डाल के रखेंगे 20 सेकंड, 3 बार 20 सेकंड डाल के रखिए, फिर निकाल दीजिए 20 सेकंड 3 बार। फिर उसके बाद और एक बताया था हाई बीपी का पॉइंट कैसा करना है, जो अंगुली दो है ना हमारी अंगुली, उसको अपवर्ड प्रेशर लेना है, ऐसा ऊपर की तरफ लेना है, अंगुलियों को इंडेक्स फिंगर को ऊपर की तरफ लेना है, कैसा रखें कान में रख के अपवर्ड प्रेशर लेंगे ऐसा 10 सेकंड 3 बार। ये हाई बीपी का एक पॉइंट है, टोटल हाई बीपी के 8 पॉइंट है, उसमें एक पॉइंट है, धीरे धीरे आपको पाठ्यक्रम आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे, ये है हाई बीपी का पॉइंट। और एक पॉइंट आपको कान का बताया था, कान अंगुली में डाल के ब्राह्मणी प्राण का ओंकार का मकार करिए, ब्राह्मणी प्राण ओंकार का मकार ऐसा करिए, दबा के रखिए ऐसा करेंगे 3-4 बार करेंगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, बच्चों में मेमोरी पावर बढ़ेगी, बच्चों के मार्क्स भी अच्छे आएंगे। आप और जो गुरुविद होते हैं वो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं तो उनका भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और उनको बहुत फायदा होता जाएगा। और आपको गुरु जी ने बताया था जब भी हम बैठ जाते हैं कहाँ पर फंक्शन में या कथा में बैठते हैं तो हमारे यहाँ पूजा करते हैं तो हमारे पैर सो जाते हैं और खाली चढ़ते हैं, मुंगी जाते हैं या नमनेस हो जाती है, तो उसी टाइम हम लोग बहुत तो क्या करते हैं पैर फिराते रहते हैं, तो जो पैर में पैर आपका सुन हो जावे नमनेस हो जावे तो उसका कान का पॉइंट है। देखिए ये आउटर लेयर कान का है और इनर में अंदर की तरफ प्रेस करना है, दिख रहे ना बड़ा भैया, 10 सेकंड 3 बार। ऐसा करेंगे तो तुरंत आपकी नमनेस चली जाएगी। फिर और एक आपको पॉइंट बताया था, यूरिन इन्फेक्शन, पेशाब में जलन होना, ये भी बहुत गोली खानी पड़ती है, उसका बहुत सिंपल पॉइंट है, जहां आप अत्तर रखते हो कान में आपको उस कपास में डुबा के, वो पॉइंट कहाँ गए देखिए, मैं कान के अंदर ही कॉर्नर की तरफ लगा रहा हूँ, उसको भी 10 सेकंड 3 बार दबा के रखिए तो आपको यूरिन इन्फेक्शन में बहुत राहत मिलेगी और आपका इन्फेक्शन भी ठीक होता जाएगा। आप ऐसा करते रहिए पॉइंट्स। जय भगवान गुरु जी, जय भगवान, जय भगवान। अभी वीणा जी, नैना बेन शाह जी सर, आप उनको बुलाइए, वो गुजराती में ये पॉइंट दिखाएंगे। नैना बेन शाह बहन जुड़ी है ना? जी सर, जुड़ी तो है बट उनका रिस्पांस नहीं आ रहा है कुछ। ओके, फिर ऐसा करिए, रश्मि सरदार बॉम्बे से, वो इंग्लिश में बताएगी। वेरी गुड, ही इज माय डॉक्टर। नो सो फॉर टीथ दैट्स एक्सट्रैक्शन ही इज द डॉक्टर फॉर doing the regular stuff, that other time. Rashmi Sardar, Rashmi Sardar judi hai, haan gaya re ba, haan guru ji, jai bhagwan guru ji, jai bhagwan ba, so welcome to all of you participants to this wonderful family of Jai Bhagwan. So today I'll be revising yesterday's points, which are the chin point, ear points. Basically, we'll start with the chin point. The chin point is the point for constipation. And at this point, when you take this for 15 days continuously, you can rid yourself of any kind of constipation. And this is the jawline. So this is the center. So basically, you keep one index finger and you keep the second index finger in the center of this jaw, where generally a person has a cleft, and you give a steady pressure
of 1.5 to 2.5 minutes. You don't have to rotate, you don't have to move the finger, but the pressure has to be steady on an average for 1.5 to 2.5 minutes continuously, preferably on empty stomach. This will help you to rid yourself of constipation. The second point is the nose point. This is also known as the vertigo point because it helps you to get rid of your dizziness. So this is the line that joins your two nostrils. So you have to be careful that you have to place your finger at the root of this point, not anywhere on this line or this portion that divides the two nostrils. And once you keep the finger here, you give an upward pressure as you breathe in. Hold the breath for 10 seconds. Count mentally 10. Once it's 10, you exhale and remove the finger with a jerk. Once again, I'll show you. Keep the finger at the base of this part that divides your two nostrils and give an upward pressure as you breathe in. Hold for 10 seconds and remove the finger and breathe out with a jerk. So this you do for 3 times. And this is also good in epilepsy because it helps to bring a person to consciousness. But here you can't count 10 counts. Here you can give the pressure for maybe 20 counts continuously or for 1 minute or 2 minutes continuously so that the patient can get his consciousness back faster. Now coming to the ear points. There are totally 5 points in the ear. The first one is the point for your hiccups. So how do you address this? Take your index finger, put it in your ear and raise your arms in such a way that the arms are parallel to the ground so that your fingers will give an inward pressure into the ear. The pressure is towards the eardrum. Count for 20 counts and remove the finger. Again, count for 20 counts, remove the finger. In this way, you have to give the pressure for 20 counts thrice. And this will help you to get rid of hiccups. Sorry. The next one is the point for high blood pressure. Here also we use the index finger and you have to put your index finger, turn your palms upwards to face the sky, pull the index finger slightly upward so that there's an upward pressure, hold for 10 counts, release. Again, put the index finger inside the ears, rotate the palms to face upwards, pull the ears upwards for 10 counts and release. In this way, you give the pressure for 10 seconds, 3 times. And this is one of the points for high blood pressure. There are other points which will be covered in the syllabus later on. Then the third point is the point for increasing the memory and concentration in children as well as in old people. And this is done again by inserting the index finger and humming the Makar part of the Brahmari Pranayam. Makar part of the Brahmari Pranayam. So you put your fingers into the ears, again raise your arms to give the inward pressure and close your eyes and say just Makar. In this way you hum for 4 to 5 times when you start doing it, and this has to be done thrice a day and continuously for 3 months for the people to get good results. And this will definitely increase the concentration and memory in children and in old people. And the fourth point is the point that will help you to release the numbness in your legs as well as your hands. And suppose you're having a numbness in the right leg. So you have to give this point on the right ear. And where do you have this point is? This is the outer border of the ear. And you have an inner ridge of this that is slightly elevated and that's slightly hard. So the point is on this ridge. So the center portion of this ridge has to be pressed for 10 seconds, release, again press for 10 seconds, release, again press for 10 seconds and release. So basically, whichever leg or the hand you feel the numbness in, that ear has to be pressed. So this is the fourth point. So, and the last point is the point
which addresses the burning sensation when a person urinates. So basically a kind of urine infection. So this point is also located in the ear, and this is also known as the athar point, because this is the place where people soak the athar in the cotton and keep it. So how do you locate this point? This is here in this groove, and you give an upward pressure. Again, press it in the upward direction, hold for 10 counts, relax. Again, locate the point, it's here. Press in the upward direction, relax. So in this way, you again, basically you give this point also for 10 seconds, three times. On an average, it is 10 seconds, three times for each point, except for the chin. And in case of epilepsy, for people who are unconscious, it is continuously for 1 minute or for 20 seconds. So that is it. Thank you. Jai Bhagwan Guruji. Jai Bhagwan Ba. Jai Bhagwan Sir. Veena, Naina Ben aa gayi hai. Ji sir. Haan sir, Naina Shah na. Naina Ben Shah hai. Cannot locate. Sir, मिल तो गई है, but उनका उनकी तरफ से कुछ response नहीं आ रहा है. ठीक है, दियो अभी है ना, कल्पना बेन शाह आ गई है. देखिए कल्पना बेन शाह, कल्पना बेन शाह, जय भगवान गुरुजी एंड बा, जय भगवान गुरुजी और बाके चरणों में कोटि कोटि नमन. तो आज हमें, जिसका आधार हमारे पूरे सिलेबस यानी कि हमारे अभ्यासक्रम पर है, वही सबसे पहले देखना है, क्योंकि ये है हमारे एक्यूप्रेशर की परिभाषा. परिभाषा जो है उसे रटना नहीं है, लेकिन अच्छे से समझकर हम ये पूरे अभ्यासक्रम का हार्द जिसे कहते हैं उसे हम पा सकते हैं. तो एक्यूप्रेशर बहुत आसान है, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन इसके पहले एक्यूप्रेशर क्या है उसे समझना है. तो इसकी परिभाषा मैं आज बताना चाहूंगी. सबसे पहले मैं हिंदी में बताना चाहूंगी. पैर के तलवों में, हाथ की हथेलियों में और शरीर के अन्य हिस्सों में आए हुए निश्चित दाब बिंदुओं पर निश्चित प्रकार का, निश्चित मात्रा में, निश्चित समय तक तीव्र और तीक्ष्ण दबाव देकर आते हुए रोगों को रोकने की, रोगों को ठीक करने की और कुछ असाध्य रोगों में होती हुई पीड़ा या वेदना में राहत पहुंचाने की पद्धति को हम एक्यूप्रेशर कहते हैं. ये परिभाषा हिंदी में हुई. इसे मैं गुजराती में भी बताना चाहूंगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स गुजराती भी है, तो उनके लिए स्पेशली गुजराती में भी होगी. गुजराती में परिभाषा, पगना तड़िया में, हाथनी हथेड़ी में अने शरीर ना अन्य भागों में आवेला चोक्कस दाब बिंदुओं पर चोक्कस प्रकार नु चोक्कस प्रमाण में चोक्कस समय सुधी तीव्र के तीक्ष्ण दबाण आपीने रोग ने थतो अटकाववानी, रोग ने मटाड़वानी तथा કેટલાક અસાધ્ય રોગોમાં થતી પીડા કે વેદનામાં રાહત પહોંચાડવાની પદ્ધતિને આપણે એક્યુપ્રેશર કહીએ છીએ. અબ યે વેબિનાર મે ભી હર એક વેબિનાર કી તરહ હમારે બહોત સારે દર્શક હમારે દુનિયા કે અલગ અલગ પ્રાંતો સે ભી જુડે હુએ હૈ. ઇન સબ કે લિયે મેં ચાહતી હું કે એક બાર ઇંગ્લિશ મે ભી પરિભાષા હો જાય, તાકી જો લોગ હિન્દી ઓર ગુજરાતી નહીં સમજતે, सिर्फ अंग्रेजी में समझना चाहते हैं, उनके लिए अंग्रेजी में परिभाषा. एक्यूप्रेशर इज अ थेरेपी इन विच सर्टन अमाउंट एंड सर्टन टाइप्स ऑफ शार्प एंड पेनिट्रेटिंग प्रेशर इज गिवन फॉर सर्टन टाइम ऑन द पॉइंट्स विच आर लोकेटेड इन द पाम्स, इन द फुट एंड इन द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी by which
diseases can be prevented, cured, and relief can be achieved in the pain caused due to certain incurable diseases. तो ये हुई हमारी अंग्रेजी में परिभाषा. तो अब ये परिभाषा तो हमने समझ ली कि एक्यूप्रेशर कहाँ कहाँ पर है. हमारे पैर के तलवों में भी है, हाथ की हथेलियों में भी है, और शरीर के अन्य हिस्सों में भी आए हुए. क्या आए हुए हैं? दाब बिंदु. ये दाब बिंदु किसके हैं? हमारे शरीर के विभिन्न अवयवों के, यानी के ऑर्गन्स के. ये सारे दाब बिंदुओं पर दबाव देकर हमें अपने आप को रोग मुक्त भी करना है और आते हुए रोगों को रोकना है. तो एक्यूप्रेशर कितना बढ़िया है कि सबसे पहले अगर आप हर रोज ले लेते हो तो हमारे शरीर में रोग होने की कोई संभावना ही नहीं होती. और अगर आपको कोई तकलीफ है तो उनके पॉइंट लेने से बिना दवाई के भी आप हर रोज इस दबाव देकर आप अपने आप को रोग मुक्त भी कर सकते हो. कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे रोग जिसे हम असाध्य रोग कहते हैं, इनक्योरेबल, उन सारे रोगों में हम फायदा पहुंचाने के लिए भी एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये एक्यूप्रेशर इतनी बढ़िया थेरेपी है कि उनके फायदे भी हम कुछ सीखना चाहेंगे. फायदे सीखेंगे कि क्या क्या फायदे हैं. मेरे हिसाब से तो इनके सारे फायदे ही फायदे है, एक भी नुकसान नहीं. देयर आर ऑल बेनिफिट्स. सो सबसे पहला फायदा, ये बिल्कुल सादी सीधी और सरल है, सिंपल एंड इजी टू लर्न. दूसरा फायदा, ये निस्वार्थ और निशुल्क है, सेल्फलेस सर्विस है, एंड विदाउट एनी कॉस्ट यू कैन टेक द थेरेपी एंड यू कैन क्योर योरसेल्फ. तीसरा फायदा, इसमें साधनों की आवश्यकता नहीं है, नो इंस्ट्रूमेंट्स आर रिक्वायर्ड. क्योंकि अगर हमें अपने आप के, हमारे पास दो जो साधन है वो है हमारे दोनों हाथ. ये दोनों हाथों का इस्तेमाल करके ही हमें ट्रीटमेंट देनी है. लेकिन सपोज कई बार ऐसा होता है कि हमारे हाथ से अच्छी तरह से ट्रीटमेंट ना दे पाए, उस वक्त हमें साधनों की आवश्यकता पड़ती है. समटाइम्स इफ द पेशेंट्स प्रेशर इज नॉट इनफ टू गिव द ट्रीटमेंट, एट द टाइम यू कैन यूज सर्टन इंस्ट्रूमेंट्स. तो ये सारे साधन भी हमारे आसपास ही उपलब्ध है, जैसे कि पेंसिल हर एक के घर में रहती है, बेलन रोलर हर एक के घर में रहता है. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो नोकीली नहीं होती, पॉइंटेड नहीं होती. ऐसी चीजों को इस्तेमाल करके हम ट्रीटमेंट कर सकते. चौथा, ये बिल्कुल ही नुकसान करता नहीं है, देयर इज नो साइड इफेक्ट्स एंड इट इज टोटली हार्मलेस. इसमें कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, यानी कि अगर आपने ट्रीटमेंट ले ली, लेकिन अगर सोच लीजिए कि शायद आपने कोई गलत जगह पर ट्रीटमेंट ले, गलत पॉइंट पर ट्रीटमेंट ले, तो शायद आपको फायदा नहीं होगा, लेकिन इसका नुकसान भी नहीं है. तो ऐसे ये बिल्कुल ही साइड इफेक्ट नहीं है और हार्मलेस नहीं, हार्मलेस है. इसके बाद का पॉइंट, इसमें समय और जगह कम चाहिए, लेस स्पेस एंड टाइम इज रिक्वायर्ड. कितना समय चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट. और स्पेस कितनी चाहिए? दोनों व्यक्ति आमने सामने बैठ के ट्रीटमेंट ले सके, यानी कि कम से कम 5 से 6 फुट का अगर हमारे पास स्पेस है तो इसमें हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं. कम जगह और कम समय चाहिए. स्पेस टाइम मैक्सिमम 10 to 15 minutes एंड स्पेस नियरली 5 to 6 foot कैन बी यूज टू गिव ट्रीटमेंट. अब इस थेरेपी को अगर प्रेम से, करुणा से किया जाए तो लेने वाला और देने वाला दोनों का आध्यात्मिक विकास होता है. इफ द ट्रीटमेंट इज गिवन विथ फुल कंपेशन, तो देन द बोथ ऑफ देम, यानी द गिवर एंड द टेकर ऑफ द ट्रीटमेंट गेट बेनिफिटेड. दोनों का फायदा होता है. कैसे फायदा होता है? उसका आध्यात्मिक विकास होता है. आध्यात्मिक माने स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है. ये स्पिरिचुअल ग्रोथ बोलने से पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे आप ट्रीटमेंट देते जाएंगे, जैसे गुप्ता जी ने भी पहले बताया था कि आप अगर करुणा से, प्रेम भाव से ट्रीटमेंट देते हो तो उसका जो फायदा मिलता है वो फायदा आप
को आप पैसों में गिनती नहीं कर सकते, इतना ही बढ़िया थेरेपी है। अब इस थेरेपी की दो विशेषता है, there are two peculiarities. पहली विशेषता कि हमारे शरीर में कोई भी तत्व की कमी हो या तो ज्यादा हो, बड़प्पन हो, तो ये दोनों तत्वों को बैलेंस करने का कार्य करता है। अर्थात इफ यू हैव अ डेफिसिट ऑफ सर्टन एलिमेंट्स और यू हैव अ अगर ज्यादा है, एक्सेस है, इफ यू हैव अ एक्सेस ऑफ सर्टन एलिमेंट्स, सो एक्यूप्रेशर बैलेंसेस बोथ द एलिमेंट्स एंड इट क्योर्स द बॉडी। तो ये हुई पहली विशेषता। दूसरी विशेषता कि हमारे शरीर में ये ट्रीटमेंट लेने से हमें जो फायदा मिलता है उसे कहते हैं सर्वांगी आरोग्य। इससे हमें जो आरोग्य प्राप्त होता है उसे कहते हैं सर्वांगी आरोग्य। सर्वांगी आरोग्य का अर्थ होता है हमारे शरीर को ही नहीं, हमारे शरीर को, मन को, आत्मा को और उसकी भावनाओं को एक साथ ठीक करने वाला ऐसा सर्वांगी, सर्व अंगों को ठीक करने वाला ऐसा आरोग्य हमें प्राप्त हो जाता है। अर्थात when you give the treatment to any person, any patients, the person gets holistic health. Holistic health not only deals with the body, it deals with the human body, mind, emotions and spirit all at a time and not separately. So it's a beautiful therapy. I hope you enjoy the therapy, you learn and then you cure so many patients. That's what we wish. And you are all welcome to our Jai Bhagwan, Jai Bhagwan family. Jai Bhagwan. Jai Bhagwan. Thank you. Chalo. Abhi. Hold it. Haan ji. To abhi jo humne baat ki thi genealogy ki, वो जोनोलॉजी मैं दिखाता हूँ, थोड़ी नजदीक ले क्लियर दिखा। अभी ये पैर का तलवा है, मनुष्य का ही है मगर आपको दिख से ले इतना बड़ा बना है। तो जो जोन हमने बोला था अंगूठे में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो तो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अभी पैर के तलवों में उन लाइन को हमने विस्तारित किया, एक्सटेंड किया, कैसे देखो ये पूरा एरिया पहला जोन है, फिर इसके और इसके बीच में जो लाइन खींची वो दूसरा जोन है, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार पांचों जोन तलवे में बन गए। ये लाइन जिसको हम वर्टिकल लाइन कहेंगे, खड़ी रेखाएं, वो रेखाएं जोन बता रही है, इट इंडिकेट्स जोन, इसलिए उन रेखाओं का नाम है जोनल लाइन। आपके पैर के तलवे का जो चित्र है उसमें देखिए सारी बात दी गई है, जेड मीन्स जोनल लाइंस, और इस प्रकार एक दो तीन चार पांच हिस्सों में हमने क्या किया, पैर को डिस्ट्रीब्यूट किया, बांट दिया। अभी ये जो लाइन खींची है वो भी आपके चित्र में है, उसके नाम भी लिखे हैं, मैंने भी यहाँ पर नाम लिखे हैं R1। ये R1 जो है वो हमारे डायफ्राम की लाइन है, डायफ्राम मीन्स उदर पटल हिंदी में। R2 है वो कमर की लाइन है, R3 है वो एडी की लाइन है, R4 छाती का लाइन है। तो अगेन हमने एक दो तीन चार हॉरिजॉन्टल तिरछी रेखाएं बना करके पैर को और पांच भाग में बांट दिया, तो पूरे तलवे को हमने 25 भाग में बांट दिया। इससे क्या होगा, इसके सहारे हम कोई भी पॉइंट का लोकेशन बहुत ही अच्छी तरह से खोज पाएंगे, समझ पाएंगे। ये पूरे पैर का चित्र है, आपके पैर के चित्र में ये सारी चीजें जो लाइन लिखी है वो सब लिखा हुआ है। कृपया, वो हिंदी में है, इंग्लिश में, दोनों में, कृपया गौर से उसका स्टडी करें, और उसी चार्ट में जो अभी पहले 7 पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। आप कृपा करके अपने ड्राइंग में अपने पैर के तलवे जो आपको दिए गए हैं प्रिंट आउट, उसमें ये बनाने की मेरे साथ बना दी जाए।
हाँ तो अभी आप देखते साथ देखते जाए मेरे साथ और देखा हाँ पूरा पैर दिखता है दीपक भाई पूरा पैर दिख रहा है ना जी सर हाँ ठीक है तो अभी देखिए ये अंगूठा है ये पैर का तलवा है अंगूठा नीचे की ओर मुड़ेंगे जहाँ एक खांचा बनता है वो खांचे में हमारा गले का पॉइंट है गले की कोई भी तकलीफ के लिए ये पॉइंट को हम दबा सकते हैं फिर ये जो है ये दूसरी और तीसरी उंगली के रूट में मूल में वो हमारे आंख का पॉइंट है और लास्ट दो फिंगर दो टोज है उसके नीचे जो है कान का पॉइंट है तो यहाँ पर मैंने लिखा है एक मीन्स गला थ्रोट दूसरा मीन्स आंख आईज तीसरा मीन्स कान ईयर एक दो तीन नॉर्मली जो पॉइंट है हमारे शरीर के जैसे ही है मगर थोड़ा कुछ अपवाद है ये दोनों अपवाद है क्योंकि आंख हमारा जो गला है उससे आंख ऊपर है कान ऊपर है मगर यहाँ पर साथ में आते उतना अपवाद है ये जो है हमारी चौथी और पांचवी उंगली का जो जोड़ है उससे लेकर के गोलाई में ये जो लाइन खींची है वो किनारी पर चार नंबर का पॉइंट है इसका नाम हमने यहाँ पर लिखा है आर्म शोल्डर या तो कंधा फिर ये जो है डायग्राम एन के ऊपर ऐसा मैंने राउंड बनाया है दो तीन चार जोन में करीब करीब वो हमारा फेफड़े लंग्स है तो लिखा है मैंने पांच लंग्स या फेफड़े गुजराती माँ फेफड़ा और अंगूठा छोड़कर सारी उंगलियों के टिप में इन द टिप्स ऑफ द टोज उंगलियों की नोक में जो सारे पॉइंट बताए हैं वो है हमारे सर्दी जुकाम के पॉइंट यहाँ लिखा है मैंने साइनस सर्दी जुकाम इंग्लिश में उसको साइनस कहते हैं और यहाँ इसके ऊपर के हिस्से में हमारा नाखून होता है नाखून का रूट नाखून के रूट से लेकर के ऐसा अंगूठे की साइड में आर फोर तक जो लाइन खींची है वो लाइन हमारी स्पाइन की है हिंदी में उसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं ये स्पाइन इस प्रकार है सात पॉइंट थोड़ा ऊपर कीजिए अंगूठा नहीं दिख रहा है क्या क्या अंगूठा नहीं दिख रहा है थोड़ा ऊपर कीजिए तो ये नाखून से लेकर के अंगूठे की साइड में आर फोर तक जो लाइन खींची मैंने वो हमारी रीढ़ की हड्डी है कुछ लोगों ने अगर शरीर शास्त्र का अभ्यास किया हो तो उसमें इसका आकार देखो ऐसा ही आकार हमारा रीढ़ की हड्डी का है वैसा ही पैर में आ जाता है तो ये सात पॉइंट अपने बेसिक पॉइंट है गले की तकलीफ में गले का पॉइंट आंख की तकलीफ में आंख का पॉइंट कान की तकलीफ में कान का पॉइंट कंधे के लिए कंधे का फेफड़ों में मतलब खांसी अस्थमा दम वगैरह के लिए इसको दबा सकते हैं और साइनस सर्दी जुकाम होता है उसके लिए ये पॉइंट को दबा सकते हैं ये पॉइंट बनाए हैं मैंने किस में एक ही पैर में लेफ्ट तलवे पे मगर है कहाँ पर दोनों में और ये चीज आपको हमेशा याद रखना है कि जब तक मैं आपको स्पष्टता से न बताऊं कि ये पॉइंट सिर्फ लेफ्ट में है सिर्फ राइट में है वहां तक आपको क्या मानना है कि ये पॉइंट सारे दोनों पैर में है जब कोई ऐसा पॉइंट आएगा स्पेशली आपको बताऊंगा कि ये पॉइंट केवल लेफ्ट में है ये पॉइंट केवल राइट में है तब तक आप समझना है कि दोनों पैरों में ये पॉइंट आए हुए ये सारे पॉइंट दोनों पैर में आए अभी मेरा एक प्रश्न है कि यहाँ पर गले का पॉइंट बताया यहाँ पर वास्तव में इनफैक्ट गला है नहीं है मगर गले का संकेत है इसलिए उसको संकेत दाब विज्ञान कहते हैं संकेत को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्स इसलिए उसका नाम पड़ा है क्या है रिफ्लेक्सोलॉजी ये पॉइंट्स हो रिफ्लेक्स पॉइंट है सारे जो भी पैर के तल में पॉइंट देखेंगे हम और हाथ की हथेली में जो भी आए हुए पॉइंट वो सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं रिफ्लेक्स पॉइंट्स संकेत दाब बिंदु कहते हैं खास ख्याल करना और कुछ पॉइंट जो है वो शरीर के पूरे शरीर में है कुछ पॉइंट ऐसे है जो उस ऑर्गन के आसपास उदाहरण के रूप में आंख के आसपास पॉइंट है कान के आसपास पॉइंट है उन पॉइंट्स को हम लोग एक्यूबेसर की भाषा में लोकल पॉइंट या स्थानिक दाब बिंदु ऐसा कहते हैं ख्याल में आपको तो ये सारे
सात बिंदु आपके जो आपके पास जो डायग्राम है जो चित्र है उसमें आप जरूर से नोट कर लीजिए ताकि आपको आगे का पाठ्यक्रम संबंध में मालूम पड़ेगा। पर एक बात बेसिक याद रखे कि ये सारे पॉइंट कहाँ पर है, दोनों पैरों के तलवे में है, इसलिए बताया खाली एक पॉइंट वो याद रखे। और ये पॉइंट बहुत अद्भुत काम करते हैं। समझो गले में आपको कुछ तकलीफ है, गले में आवाज बैठ जाती है, खलास होती है, जलन होती है, कभी कब जैसा लग जाता है, उसमें इस पॉइंट को दबाने से आपको इससे जरूर से आराम मिलेगा। आंख की तकलीफ कोई भी तकलीफ हो, आंख का लाल होना, आंख में पानी आना, आंख में जलन होना, आंख की विजन कम होना, तो सारी तकलीफों में ये पॉइंट दबाने से अवश्य फायदा होता है। कान की, कान में कम सुनाई पड़ना, कान में आवाज आना, कान में दर्द होना, कान में पस हो सकता है, तो सारी कान से रिलेटेड जो तकलीफ है उसमें ये पॉइंट काम है। कंधे का, कंधा ऊपर उठता नहीं है, दर्द है, उसको मेडिकल भाषा में कहते हैं फ्रोजन शोल्डर, उसमें ये पॉइंट काम में आएगा। कंधे की बीमारी, कंधे का दर्द, कंधे की मूवमेंट वगैरह सब बहुत ही अच्छी तरह से सही होती है। उसी प्रकार साइनस मतलब सॉरी फेफड़े, फेफड़े जो हमारा दम अस्थमा खांसी उसके लिए फेफड़े का पॉइंट काम में आता है। और जो उंगलियों के टिप में जो है उसको कहते हैं साइनस पॉइंट, साइनस की तकलीफ जो होती है वो उसमें फायदा होता है। ये साइनस क्या है पहले मैं आपको समझाता हूँ। साइनस को हम हिंदी में सर्दी या जुकाम कहते हैं। सर्दी दो प्रकार की होती है, एक ड्यू टू लंग्स फेफड़ों की वजह से होती है, इसमें कफ भर जाता है, खांसी होती है वगैरह। मगर एक जो सर्दी है वो हमारे फेस की सर्दी है, उसमें क्या होता है नाक में से पानी आता है, छींके आती है, नाक बंद हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है, वो सारा साइनस की वजह से। वो साइनस ऐसी कंडीशन में जो मैंने अभी बताई वो सारी तकलीफों को दूर करने के लिए ये पॉइंट बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही असरकारक है। ये साइनस हो गए। फिर ये जो बताया आपको पैर के अंगूठे से लेकर के आर फोर तक लाइन में अंगूठी की साइड में जो सबसे बड़ा पॉइंट, पूरे रिफ्लेक्स लाइन में सबसे बड़ा पॉइंट यह है जो हमारी रीढ़ की हड्डी विजातिमा करोड़ इंग्लिश में स्पाइन का पॉइंट है। और स्पाइन का पॉइंट की आवश्यकता क्या है, अगर आपको गर्दन में दर्द है, पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, उसके नीचे के हिस्से में दर्द है, तो सबको इसको दबाने से बहुत ही आराम मिलता है। समझो आपको कुछ नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आप हमेशा तंदुरुस्त रहो, मगर कितना भी तंदुरुस्त आदमी हो काम करने के बाद में शाम को या रात को थक जाता है, तो थकान को दूर करने के लिए आदमी घर में आके ऑफिस से आके क्या कहते हैं भाई एक कप कॉफी पिलाओ, एक कप चाय पिलाओ, शरबत दो, समथिंग। मगर इस पॉइंट को अगर आपने दबाया, पॉइंट बहुत लंबा है ना, इसलिए डेढ़ एक मिनट 1.5 मिनट दबाना है पूरा एरिया में, एक पैर में फिर दूसरे पैर में, कितना मिनट लगेगा 4-5 मिनट। आप पाएंगे कि आपकी थकान दूर हो गई है, आप बिल्कुल फ्रेश महसूस करते हैं विदाउट एनी टी और कॉफी। इतना बढ़िया ये पॉइंट है, उसका लाभ आप उठा सकते हैं। अभी उसका प्रैक्टिकल वगैरह बताया जाएगा, मगर अभी के लिए इतना समझे कि ये सातों पॉइंट हमारे बेसिक पॉइंट है। वो पॉइंट्स प्रैक्टिकल भी देखेंगे और बाद में हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये उसमें जो फेफड़े की बात है वो रह गई। फेफड़े मतलब हमारे लंग्स, जो हमारे छाती में दोनों वाला दो फेफड़े हैं, वो फेफड़ों का काम क्या है, हम जो सांस लेते हैं वो फेफड़ों में जाते हैं, फेफड़ों में हवा ऑक्सीजन के जरिए हमारा खून शुद्ध होता है। कैसे होता है, हवा कहाँ जाती है अंदर, तो फेफड़ों में छोटे छोटे बारीक वायु कोश होते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्स SACKS उथेलिया वायु कोश। वो वायु कोश जब हम सांस भरते हैं, वायु कोश ऑक्सीजन से भर जाते हैं, फिर खून की सफाई होती है और बदले में क्या बाहर आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम प्रश्वास करते हैं, श्वास बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। ये प्रक्रिया जिसको हम इंग्लिश में रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं,
हिंदी में स्वतंत्र कहते हैं, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली हमारे ख्याल के बाहर होता है, क्योंकि वो जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट, विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनीबडी। अगर भगवान ने ये चीज नहीं रखी होती तो कुछ लोग इतने काम में हो जाते हैं श्वास लेना ही भूल जाएंगे। ऐसा न हो इसलिए भगवान ने, कुदरत ने इस सब पूरे सिस्टम को कैसी बनाई है, इंडिपेंडेंट। इसको कहते हैं हिंदी में अनैच्छिक, इनवॉलंटरी सिस्टम चलती रहती है। वो हमारे कुदरत ने, भगवान ने ये स्वतंत्र अपना दिया है। तो ये उसमें कोई भी तकलीफ हो, जैसे मैंने आगे बताया खांसी दम अस्थमा वगैरह में, इस पॉइंट को हम दबा सकते हैं। तो इस प्रकार ये पैर के तलों के 7 पॉइंट बने, आपको समझाए। कल्पना बहन ने बहुत अच्छी तरह एक ही वर्ष की परिभाषा आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाई है। वो परिभाषा जैसे उन्होंने बताया, मैं भी रिपीट करता हूँ, वो परिभाषा को आप अच्छी तरह समझ लीजिए, उसको रटना नहीं है। इट इज नॉट टू बी लर्न बाय हार्ट, मगर अच्छी तरह समझ लेना है। या तो एक भाषा में कहेंगे तो उसको आत्मसात करना है, उसको अच्छी तरह पचा लेना है। क्यों? ताकि आप देखेंगे रोज, अभी 8 दिन बाकी है उसमें, कि हमारा पूरा पाठ्यक्रम इस परिभाषा के पर बेस्ड है। उसका हमारा पूरा पाठ्यक्रम का आधार जो कोई है तो ये परिभाषा है। तो ये परिभाषा आप अच्छी तरह समझेंगे तो आपका आगे का पाठ्यक्रम दूर करने के लिए, मतलब समझने के लिए बहुत ही आसान रहेगा। अभी मैं समझता हूँ हमारे सुनील जी शर्मा आ गए हैं। मीना, सुनील शर्मा नहीं सर, अभी तो वो बिजी हैं दूसरे वेबिनार। ओके चलिए, ठीक है, चलो। तो इस प्रकार कुछ क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके पास है? हाँ हाँ है, बोले। कफ और सर्दी का कोई पॉइंट? हाँ वो आएगा। अभी मेरे का सबसे निवेदन है कि अभी तो अपना पाठ्यक्रम चला ही नहीं है, पाठ्यक्रम जैसे चलेगा ना वो आपको सब मिलता जाएगा। कफ सर्दी का मैंने अभी बताया, फेफड़े का और भी पॉइंट है, जैसे जैसे हम पाठ्यक्रम में आगे बढ़ेंगे आपको बताया जाएगा। और कोई प्रश्न है तो? और शोल्डर पॉइंट वापस एक बार क्लियर कर दीजिए। शोल्डर पॉइंट देखिए, ये पैर के तलवे में अपनी दो उंगलियां जो है उसके जोड़ से लेकर के इस प्रकार, अगर आप यहाँ पर हाथ करेंगे ना, यहाँ पर कड़क हिस्सा है, हड्डी है, हड्डी की बॉर्डर में किनारे में हमारे कंधे का पॉइंट है। इसको कैसे देना आपको जरूर बताएंगे प्रैक्टिकली। अभी इसका लोकेशन आप सामने लेंगे तो जरूर से उसका फायदा मिल सकता है। और कोई क्वेश्चन? छठा पॉइंट वापस क्लियर कर दीजिए। सिक्स्थ, छठा पॉइंट जो है वो अंगूठा छोड़ करके बाकी की 4 उंगलियों में एकदम टिप पर, इसको इंग्लिश में कहते हैं टिप ऑफ द टोस, हिंदी में उंगलियों की नोक में है। पर आप ख्याल करें इस सबके सारे पॉइंट्स का प्रैक्टिकल कल होने वाला है, इसलिए आप जितना इसमें समझ सकते समझ लीजिए, आपके चार्ट में उसको बना लीजिए और प्रैक्टिकल के बारे में जरूर से कल होगा, उसमें आपको प्रैक्टिकली बताया जाएगा कि ये पॉइंट सारे कहाँ पर है। वो हमारे दीपक भाई है, कल्पना बहन है, वो हमारे सारे साथी है, वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझा देंगे। इसलिए अभी का जो पाठ्यक्रम का स्कोप है उतना ही है कि पैर के तलवे में वो जो भी पॉइंट समझाए साथ, वो पॉइंट अच्छी तरह ड्रॉ कर ले, उसके आधार पर कल आपको प्रैक्टिकल समझने में बहुत ही सुविधा रहेगी। और कोई प्रश्न हो तो बोलिए। विल नेक पॉइंट विल वर्क फॉर थायराइड? नेक पॉइंट थायराइड के लिए चलेगा क्या? अभी थायराइड हमारा कहाँ है, इसने पूछा है, उसका निवेदन है कि अभी पाठ्यक्रम बहुत बाकी है, मगर आपके प्रश्न के जवाब में हाँ तो काम में आता है, मगर अभी आप थोड़ा रुकिए, जैसे जैसे हम पहुंचेंगे आगे लैंड के चैप्टर में आएंगे, एकदम अतिशय बिल्कुल स्पष्टता से सरलता से आपको समझा दिया। अभी कोई पॉइंट हो तो बोलिए प्रश्न। खाने के कितने समय बाद प्रेशर पॉइंट लेना चाहिए? वो भी आएगा, फिर भी अगर पूछा है तो भोजन के बाद कम से कम 2.5 घंटे का अवकाश रखें, ये सब आने वाला है, फिर भी अगर पूछ लिया तो खाना या भोजन करने के बाद कम से कम 2.5 2.5 घंटे का फासला छोड़ करके ट्रीटमेंट दे सकते, ठीक है। और कोई प्रश्न हो तो बोलिए। जी सर, बस हो गया है। 7वां पॉइंट क्लियर कर दीजिए वापस। आप ध्यान से सुनिए, इसका मतलब आपका ध्यान नहीं है, मैंने 2 बार समझाया,
सबसे मेरा निवेदन है कि बराबर ध्यान से देखिए, एक ही घंटा ओनली 59 मिनट्स, पूरा घंटा भी नहीं, तो कृपा करके पूरा ध्यान यहाँ रखिए, मुझे समझाने में कोई हर्ज नहीं है। अंगूठे के ऊपर के ये जो हिस्सा है उसके ऊपर के हिस्से में नाखून होता है, रूट ऑफ द नेल, वहां से शुरू करके अंगूठे की साइड में ये जो लाइन मैंने बनाई है कहाँ तक, R4 तक, ये पूरी हमारी रीढ़ की हड्डी का पॉइंट है। उसको कैसे देना, किस प्रकार देना, वो सारी चीजें प्रैक्टिस समझेंगे आप। अभी सिर्फ आपको आपके पैर के तलवे जो आपने बनाए हैं उसमें पॉइंट्स को अच्छी तरह से नोट करना है, और कल जो प्रैक्टिकल होगा ना फिर आपका प्रश्न रहेगा ही नहीं, कितना दबाना, कैसे दबाना, वो सारी चीजें संबंधी की है, वो कल के प्रैक्टिकल में कवर होगी। और कोई प्रश्न है? जी नहीं सर। नहीं है ना, बस। तो मेरे ख्याल से आज का समय भी अभी पूरा होने आता है, तो आज का आज के पाठ्यक्रम को विराम देंगे, और कल फिर से मेरा निवेदन है कि कृपा करके सब लोग 7:45 मतलब के 7:45 to 7:55 तक कृपा करके इसमें आ जाइए। और अभी की संख्या कितनी है वीणा जी, टोटल नंबर ऑफ पीपल? 914,000 तक गया था, 914 अभी हो रहा है। ठीक है, ओके, बहुत अच्छा, धन्यवाद। वीणा जी को धन्यवाद, करण जी को धन्यवाद, और हमारे सारी जो हमारी कंपनी है सबको, शर्मा जी इन एब्सेंस, उनके भी धन्यवाद है। और कल बराबर 7:45 को मिलेंगे। जय भगवान, जय भगवान।